करौली क्षेत्र की रहने वाली एक गरीब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को उसके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़िता है जो हवस के शिकारी की हवस का शिकार हुई है। बीते 3 माह पूर्व पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पीड़िता की ओर से थाना कुरौली पर आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 376 और 102 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 3 लोगों को नामित किया गया था। पीड़िता का कहना है कि एक आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और उसको जेल भेज दिया था और वह आरोपी भी जमानत कराकर वापस आ गया, लेकिन अभी मुकदमे में शामिल 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। लगातार पीड़िता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन थाने पर जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता ने क्या कुछ बताया यह जरा आप भी सुनिए। क्या शिकायत है, किस क्या मामला है, पूरी बात बताइए क्या हुआ। मेरा एक मुकदमा लिखा था मिलिया नगरा के लोग, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार काम किया। अब तीन लोग साथ में, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मारपीट भी करी और गलत काम भी करे, और एक लोग तो गिरफ्तार हो गए, जमानत भी हो गई और 2 लोग फरारी चल रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, पुलिस पकड़ भी नहीं रही। लिखा गया अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है। आपने पुलिस थाना पुलिस से मुलाकात की थी? थाने पुलिस से मुलाकात हुई है, मुकदमा भी लिखा और विवेचना चेंज कर दी और मुन्नम पकड़ना रही पुलिस। यहाँ आप कप्तान साहब से क्या शिकायत करने आई हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं? हाँ, चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए।